K2 वॉल पुट्टी व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी है जो अंदर और बाहर की दीवारों और सीलिंग्स पर इस्तेमाल के लिए योग्य है। सतह चाहे गीली भी हो तब भी K2 वॉल पुट्टी बेस्ड प्लास्टर के साथ मजबूती से बंध जाती है और एक सुरक्षित आधार बनाती है। ये दीवारों और छतों के बारीक छेद या खड्डों को भरकर एक सफेद, मुलायम और सूखी सेहत देती है जो रंग चढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसमें चिपकाने की शक्ति अधिक है जो लंबे समय तक चलती है। साथ ही ये दीवार के रंगों का आयुष्य बढ़ाती है। ये दीवारों पे फफोले नहीं पड़ने देता, ये रंग की खपत घटाता है और सालों तक आपके घर को सुंदर और सुरक्षित रखता है। ये पुट्टी अनेक प्रकार के प्लास्टर्स और कंक्रीट दीवार या सीलिंग से लेकर हल्के या खोखले ब्लॉक्स में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है क्योंकि ये इस्तेमाल के लिए तैयार ही आता है। सरफेस प्रिपरेशन। सबसे पहले दीवार की सतह पर से सभी ढीले होकर निकलते हुए पदार्थों को एमरी सैंड पेपर, पुट्टी ब्लेड या वायर ब्रश और साफ पानी की मदद से हटा दें। सतह धूल, तेल और ढीले पदार्थों वगैरह से मुक्त और साफ होनी चाहिए। सूखी और सूखने वाली सतह को पहले पानी से गीला करें। नई दीवारों के प्लास्टर को कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक सूखने दें, उसके बाद ही नई दीवारों पर काम करें। मिक्सिंग। K2 वॉल पुट्टी को 30 से 35% साफ पानी के साथ धीरे धीरे मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। किसी इलेक्ट्रिक मिक्सर या हाथ से ही इसे 10 से 15 मिनट तक लगातार मिलाकर एक समान मिश्रण तैयार कर लें और उसे 2 से 3 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। एप्लीकेशन। शुरू करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि सतह बिल्कुल साफ हो मगर हल्की सी गीली हो। K2 वॉल पुट्टी का पहला कोट दीवार पर नीचे से ऊपर की ओर ब्लेड का उपयोग करके लगाएं। गर्मी चल रही हो तो दूसरा कोट 6 घंटे और सर्दी के मौसम में 8 घंटे बाद लगाएं। ये भी ध्यान दें कि दूसरा कोट पहले कोट की विपरीत दिशा में लगाएं। इसे आड़े तरह से लगाने से पहले के निशान मिट जाते हैं। कोट की कुल मोटाई 1.5 mm तक सीमित होनी चाहिए। हमेशा आवश्यक मात्रा में पुट्टी तैयार करें। पूरा सूखने के लिए 3 दिन तक इंतजार करें। मानो अगर कोई निशान रह जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए 500 नंबर का एमरी पेपर का उपयोग करें। बस अब आप इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। K2 वॉल पुट्टी, दीवारों की सुंदरता का राज़।